Ready? Please. माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता सम्मान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है माननीय, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया, उन्होंने मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा बोले। नहीं, मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोले। इन्होंने इसलिए बोले ना, इधर कहा ना मैंने पहली बार सुना भैया। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी? आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाएं, बैठ जाओ मत। नौ प्लीज मान्यवर, मान्यवर ये गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा टीएमसी को कुछ कहा। मान्यवर मैंने तो टीएमसी को कुछ कहा ही नहीं। मैं मान्य सवे प्लीज 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 दादा प्लीज 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 दादा आज तो मान्यवर मुझे मालूम नहीं पड़ता क्यों इतना गुस्से हो गए। मैंने तो टीएमसी का नाम भी नहीं दिया, मैं बोला ही नहीं टीएमसी, मैं तो टीएमसी नहीं बोला मान्यवर। मान्य सुरेश प्लीज 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 मान्य सुरेश प्लीज 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 आप सब बैठ जाइए। रमेश जी आप आपस में जवाब पर मत, गृह मंत्री जी मान्य अध्यक्ष जी क्यों बोल रहे मान्य अध्यक्ष जी। हाँ दादा शांति, उन्होंने कहा दादा शांति है, उन्होंने कहा कि एक मिनट एक नहीं नहीं माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि एनआरसी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप। माननीय इसमें कोई ट्रैप नहीं, एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा, मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते, उनको ट्रैप जरूर लग सकता है। मैंने जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं उनको हम सफल नहीं होने देंगे, हम नहीं होंगे, ये ट्रैप उनको इसलिए जरूर लग सकता है। और मैं कहना चाहता हूं बंगाल के सारे सदस्य दोनों ओर से उद्दिलित, यहां के भी वहां के भी, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लाखों लोगों को जो नागरिकता मिलने वाली है वो सारे बंगाली शरणार्थी है। क्या आप नहीं चाहते कि बंगाली हिंदू बौद्ध सिख क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता मिले? आप नहीं चाहते हैं? और मान्यवर मैं थोड़ी स्पष्टता इसलिए भी करना चाहता हूं, मैं इसलिए थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये लोग प्लीज मान्य सदस्य प्लीज प्लीज मान्यवर मान्यवर मैं आज इस सदन के माध्यम से ये बिल जिसके लिए लाया गया है
वो तीनों देशों से पूरब और पश्चिम देश के दोनों हिस्सों में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली तक, यहाँ बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा में भी है, ये सारी जगहों पर जो शरणार्थी नागरिक बनने जा रहे हैं, वो सबको कहना चाहता हूं कि एक अपर प्रचार हो रहा है कि आप राशन कार्ड निकाल दो वरना आप विदेशी हो जाओगे, आप एक निकाल दो वरना विदेश, लाइनों की लाइनों लगा दी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड हो न हो आपको ये विधेयक शक्ति देगा, आप नागरिक बन सकते हो, किसी को डर। मैं इसलिए कहता हूं मनोवर कि कुछ पार्टियां भ्रम फैलाए कि हम ही आपको बचा सकते, हम बचा लेंगे, आइए राशन कार्ड निकाल दीजिए, आइए एक सर्टिफिकेट ले जाइए, आइए वो ले जाइए। मान्यवर मैंने कहा है डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है भाई, कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। मान्यवर ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो अफवाहों में किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की भी जरूरत नहीं मान्यवर। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि घुसपैठिए और शरणार्थी के बीच में अंतर है, जो प्रताड़ित होकर अपनी परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए प्रताड़ना के आधार पर जो यहाँ आता है वो शरणार्थी है, और जो यहाँ पर अवैध रूप से घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। ये दोनों के बीच में अंतर है ही है और वो मान्यवर सुप्रिया बहन ने